मिट्टी वैसी ही जलती है जैसे आपके शरीर पे कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, जाहिर में मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है और मैं थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, आप जानते थे प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और भी हमारे सभ्य में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम दियो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतियां शांति, औषधियां शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सबका कल्याण हो। हजारों साल से आप लोग धरती माँ की गोद में रहते आए, धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, आप अच्छी पैदावार की लालच में जो खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, कोई तुम्हारी लालच के मोती के लिए नहीं। ऐसा लगता है थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपनी लालच के लिए आप सब अपनी अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए। सोचो, सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? धन्यवाद।